सूर्य से सूर्यवंशियों की सृष्टि बनी, चंद्र से चंद्रवंशियों की सृष्टि बनी। कोई इस्लामी धर्म की बीज रूप आत्मा है अष्टदेवों में, उसे इस्लाम धर्म की सृष्टि बनी। कोई बौद्ध धर्म की बीज रूप आत्मा है अष्टदेवों में, उनसे बौद्ध धर्म की सृष्टि बनी। तो अनेक मनु नाम के हुए ना, लेकिन फर्स्ट मनु भी तो कोई हुआ होगा, उससे मनुष्य बने कहे गए। हो मनुष्यों में पहले पहले हैं ब्राह्मण, ब्राह्मणों की नौकरियां बन गई, वो ही नौ धर्म बन गए। अभी जातियां बन नहीं रही हैं, अभी जो ज्ञान में चलने वाले हैं वो सब ब्राह्मण बन रहे हैं, पवित्र रहने वाले, पवित्रता के लिए पुरुषार्थ करने वाले। कि बहुत ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा है सब फालतू बात बकबास, कोई पवित्रता अवित्रता कोई पवित्र सृष्टि नहीं होती। हाँ बाबा का ज्ञान अच्छा है, जाकर के बैठ के सुनो, बाबा को क्या पता चलेगा हम विकार में जाते हैं कि नहीं। ऐसे ढेर के ढेर हैं या नहीं है, तो शूद्र हैं या ब्राह्मण हैं, अभी नहीं बन रहे हैं। अरे हाँ कौन सी विष्णु पार्टी में चले गए आप, कौन सी मुरली में बोला है कि सतयुग में मूवी होगी ताकि नहीं होगी, कोई मुरली में बोला है कि मनुष्यों ने सुना दिया, कोई गुरुजी बन के बैठ गए और तुमने सुन लिया। वो गुरुजी अपने बाप को पहचानते हैं, उन्होंने तुमको बाप का परिचय दिया कि नहीं दिया। वो गुरुजी ने जिन्होंने ये कहा कि सतयुग में मूवी होती है, वो गुरुजी ने तुमको बाप का परिचय दिया कि नहीं दिया। अरे दिया कि नहीं दिया, जल्दी बोलो है। हाँ तो बताओ तो, ये किसने बताया तुमको कि सत वाणी कोई नहीं, किसने सुनी ऐसी वाणी कि सतयुग में मूवी होती है ताकि नहीं होती है। हाँ इशारे की भाषा होती है, लेकिन ऐसे नहीं कि मुख से कुछ बोलते ही नहीं है, वहाँ संगीत होता है कि नहीं, गीत गाते हैं कि नहीं, गीत संगीत होता है। तो गीत संगीत होता है तो इसका मतलब धीमी धीमी गति से गीत भी गाते हैं, बोलते भी हैं, लेकिन बहुत सूक्ष्म भाषा होती है, ज्यादा बोलने की दरकार नहीं है। मोस्टली तो उनकी जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो ही बोलती हैं। पक्षी पर सवार होंगे, जैसे विमान पर सवार होके चल रहे हैं, पक्षी भी इतने होशियार होंगे, ओ ऊपर उड़ा, ए नीचे आया, तो बोलने की ज्यादा दरकार नहीं होगी। बाकी ऐसे नहीं कान ही नहीं होंगे, देखने के लिए आंख ही नहीं होगी, बोलने के लिए मुख ही नहीं होगा, ये सब फालतू बातें। एक भी मुरली ऐसी हो तो अगली बार आना, और नहीं तो फिर विष्णु पार्टी में जाकर उनसे पूछना। नहीं समझ में आया है, उसे कोई कनेक्शन नहीं तुम्हारा, झूठ बोले तो हुआ काटे। और है चित्रगुप्त, चित्रकूट है, कूट माने, कूट माने पहाड़, क्या कूट माने पहाड़, और चित्र माने ऐसा पहाड़, ऐसी ऊंची स्टेज जिसको चित्रित किया जा सके। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक,
इनकी ऊंची स्टेज को चित्रकारों ने चित्रित किया या नहीं किया है? अरे उनके चित्र नहीं देखे? चित्र देखे ना, तो वो चित्रकूट वासी हो गए। कहां के वासी हो गए? ऊंची स्टेज के वासी। वो चित्रकूट जंगल में दिखाया गया है, जंगल का रूप है, कांटों के जंगल का रूप है कि भव्य महलों का रूप है? कांटों का जंगल है दुनिया कांटों का जंगल, लेकिन उस कांटों के जंगल में भी पुरुषार्थ की ऐसी ऊंची स्टेज है कि चित्रकूट है उसका नाम। ऊंची स्टेज में, निराकारी स्टेज में रहने वाले थे, उसको नाम चित्रकूट दे दिया। और बाबा कलयुग में तो काम धाम करने की दरकार नहीं है, तो क्या काम धाम करने की दरकार नहीं है? आज के जो बड़े बड़े नेताएं हैं, बड़े बड़े मल्टी मिलियनायर्स हैं, बड़े बड़े ऑफिसर हैं, बड़े बड़े जज हैं या छोटे बड़े जज हैं, छोटे बड़े ऑफिसर भी हैं, वो क्लबों में मस्ती मारना ज्यादा पसंद करते हैं या ऑफिस में बैठ करके अपना काम करना ज्यादा पसंद करते हैं? है? ऐसे ही है ना, कोई काम नहीं करना चाहता, कोई मेहनत नहीं करना चाहता, सब चाहते हैं बिना मेहनत किए मस्ती की जिंदगी मिल जाए, चाहते कि नहीं? तो ये चाहना पूरी करने के लिए बाप आया हुआ है। ऐसी दुनिया होगी जहां तुमको पेट के लिए माथा मारने की कोई दरकार नहीं होगी, सारा काम कुदरत मुहैया करेगी, गप्पे अप्पे नहीं होती है वहां, वहां बाचा ज्यादा नहीं चलती है, गप्पे मारने का काम, झूठ बोलने का काम ये कलयुग की दुनिया का है। वहां रहते तो शांत हैं, लेकिन जो भी कर्म करते हैं वो आनंद के कर्म करते हैं। वाद्य यंत्र बजाएंगे, वाद्य यंत्र बनाएंगे, चित्रकारी करेंगे, चित्रों को देखेंगे, गीत गाएंगे, हल्की सुरीली आवाज में गीत सुनेंगे भी, डांस करेंगे। क्या ऐसे नहीं कि वहां बेकार बैठेंगे, 24 घंटे की आनंद मग्न स्टेज होगी जो आज की दुनिया चाहती है। क्या आनंदम मंगलम भगवान विष्णु, क्या बन जाए हम भगवान बन जाए। भगवान क्या करते हैं? भगवान भी सदैव आनंद मनाते हैं कि दुखी रहते हैं? आनंद मनाते हैं, तो हम भी भगवान बन जाए। हाँ क्या ब्रह्मा कुमारी वाली दीदी बोलते कि गाय बहुत सुंदर होगी, दूध निकालेंगे। हाँ तो मामा वहाँ दूध निकालना पड़ेगा। हैं? गाय कोई गाय ऐसी होती है जिनके थनों में इतना दूध भरा हुआ होता है कि वो अपने आप टपकता रहता है, वहां दूध की नदियां बहेंगी। क्या वहां की गैयां गंद खाने वाली नहीं होंगी? लेकिन बाबा ने जिन गैयों की बात की है मुरली में, वो सतयुग की गैयों की बात की है, जानवर गैयों की बात की है या चैतन्य ह्यूमन गैयों की बात की है? कृष्ण ने ह्यूमन गैयां चराई थी या जानवर गैयां चराई थी? ह्यूमन गैयां चराई थी। तो सतयुग की बात बाबा ने कोई नहीं बताई है, ये सारी संगम युग की बातें हैं। वहां स्वर्णिम संगम युग में गायें बहुत अच्छा दूध देंगी, शुद्ध दूध होगा, उनका खाना संकल्पों का भोजन
शुद्ध होगा या व्यभिचारी भोजन होगा? उनकी दृष्टि व्यभिचारी होगी या दृष्टि अव्यभिचारी होगी? अव्यभिचारी दृष्टि होगी, अव्यभिचारी संकल्पों का भोजन होगा। तो ज्ञान का दूध भी कैसा होगा? शुद्ध दूध होगा। अभी जो गैया दूध दे रही है क्या, तो जैसी उनकी वाइब्रेशन है, जैसी उनकी दृष्टि है, वैसा ही दूध निकल रहा है। इसलिए जो भी आत्माएं अभी निकल रही हैं, वो अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव कर रही हैं या नीचे गिरती जाती हैं? नीचे गिरती जाती है। फिर ये नीचे गिरना बंद हो जाएगा और ऊंचा उठना शुरू हो जाएगा। क्या लिखा है? आदि में जो संगीन थी, संगीनी है, संगीन लिखा है, गा के ऊपर बड़ी की मात्रा है, संगीनी जो देने वाली माताएं हैं, वो तो कम से कम पढ़ लिया करो पहले। संगिनी, आज में जो संगिनी थी वो, और बीती एक है या अलग अलग है? मैंने पूछने का मतलब है, आज में जो माताएं थी जिनका शास्त्रों में नाम दिति और आदिति पड़ा है, वो एक ही है या दो के नाम है? यही प्रश्न पूछना है, है? अरे माताओं के द्वारा बुलवा दो, है? संगिनी, भंगिन, अच्छा। आज में जो भंगिन थी, मुरली में बोला है कि आज में जब सत्संग शुरू किया था तो एक भंगिनी मैत्रानी आती थी और आते ही सत्संग में सबके सामने बाबा के गले में लिपट जाती थी। बस उसके घर वाले आए और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। तो वो भंगिनी थी वो, और दिति जिसका नाम दिति पड़ा वो, ये दोनों आत्माएं एक हैं या अलग अलग हैं? यही प्रश्न है। अरे माताओं के द्वारा बुलवा दो, हैं? यही प्रश्न है। तो भंगिन जो थी वो तो आई और गई, आयाराम गयाराम, कुछ पुरुषार्थ तो किया ही नहीं, तो वो तो खत्म। बाकी और दो माताएं थी जिन्होंने लंबे टाइम तक पार्ट बजाया या नहीं बजाया? उनमें एक थी दिति जिसका शास्त्रों में नाम दिति पड़ा, और एक थी अदिति। दिति का अर्थ है खंडित और अदिति का अर्थ है अखंड, माने एक की पवित्रता खंडित हुई और एक की पवित्रता अखंड रही, इसलिए ये दो नाम पड़ गए, दिति और अदिति। आदि में जो पार्ट होता है वही फिर अंत में रिपीट होता है। तो दो प्रकार के पार्ट वो देवियों के रूप में एक दूसरे के विरोधी नाम प्रत्यक्ष हो गए, क्या? महागौरी और महाकाली। महागौरी माने पवित्रता के आधार पर नई दुनिया की स्थापना करने वाली, और महाकाली माने
इम्प्योरिटी के आधार पर पुरानी दुनिया के जो भी शख्स हैं, असुर हैं, आसुरियत वाले हैं, उनका विनाश करने वाली असुर संघारिणी, ये दो पार्ट हैं। तो एक नहीं है वो, जो जिसका नाम मेहतरानी बाबा ने बोला है वो अलग पार्टधारी है। हर मिनी मधुबन की इंचार्ज को माँ कहते हैं। जो इंचार्ज है उसका काम है कि जो भी पालना लेने वाले हैं मिनी मधुबन में बाबा के घर में, उनकी पालना किस तरह करे, किस संबंध से करे, माँ के रूप में पालना करे। तो माँ भी कहते हैं, तो उनको किस धर्म की धरनी अथवा माँ कहा जाएगा? अभी तो शूटिंग हो रही है ना कि खत्म हो गई? हो रही है। अब जब फाइनल परीक्षाएं हो फिर पता चले कि कौन इस ओर जा रहा है, कौन इस ओर जा रहा है, पश्चिम में जा रहा है या पूरब में जा रहा है, उत्तर में जा रहा है या दक्षिण में जा रहा है, नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, या ईशान कोण में जा रहा है या विपरीत कोण में जा रहा है। जब 10 दिशाओं के 10 दिग्पाल हैं, 10 धर्म हैं, तो 10 धर्मों का फाउंडेशन लगाने वाले जनक भी होंगे, पिता भी होंगे, और फिर उनकी माताएं भी होंगी। अभी तो इंचार्ज ही चेंज हो रहे हैं। आज इंचार्ज है, कल क्या बन जाते हैं? हैं? कल स्टूडेंट बन जाते हैं। कोई फिक्स है अभी? क्या फिक्स तो नहीं है। तो जब फाइनल डिक्लेरेशन होगा तो सबके पार्ट भी समझ में आ जाएंगे। अभी तो रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है कि कौन किस धर्म की माँ है। जैसे मान लो सूर्यवंशियों की माँ है, तो जो सूर्यवंशी के होंगे जन्म जन्मांतर है उस माता से पालना लेने वाले रहे होंगे या नहीं होंगे? हैं? रहे होंगे। और जो अभी भी पालना ले रहे हैं, चाहे शरीर से पालना ले रहे हैं चाहे मानसिक पालना ले रहे हैं, उनके मन के अंदर उस सूर्यवंशी माँ के प्रति रिगार्ड होगा या डिसरिगार्ड होगा? रिगार्ड होगा। अगर रिगार्ड है तो शूटिंग सूर्यवंशी माँ के बच्चे की हो रही है, अगर डिसरिगार्ड है तो सूर्यवंशी नहीं हो सकते, कोई और वंश में जाके गिरने वाले हैं। इतना पक्का है कि नहीं है? पक्का है। अगर सूर्यवंशी है तो सूर्यवंशी माँ को पहचानने वाले भी होंगे कि नहीं पहचानने वाले होंगे? अरे बच्चा पैदा होता है तो पहले किसको पहचानता है? माँ को पहचानता है। तो जो भी सूर्यवंशी होंगे वो सूर्यवंशी माँ को पहचानेंगे या जगदम्बा जगदम्बा चिल्लाएंगे? सूर्यवंशी माँ को पहचानेंगे, उसी ओर बुद्धि आकर्षित होगी। नहीं होंगे तो जगदम्बा के कंट्रोल में आवेंगे। जगदम्बा तो सब धर्मों की अम्बा है, और जब उसके कंट्रोल में आवेंगे तो पता नहीं कौन से धर्म में जाएं, जैसा जैसा पार्ट बजाएंगे वैसी वैसी अपना
माँ स्वीकार करेंगे? अभी चक्की चल रही है क्या? अभी फाइनल नहीं हुआ है। हाँ, पहले सूर्यवंशी ग्रुप फाइनल होगा या इस्लामवंशी या मोह वाले कौन आर्य समाज वंशी या और वंश डिक्लेयर हो जाएंगे? अरे सूर्यवंशी ही डिक्लेयर होंगे। बाबा जगदम्बा जब सभी धर्मों की अम्मा है तो सभी धर्मों में तो सूर्यवंशी भी आ गया। यज्ञ के आदि में थे नहीं वो सूर्यवंशी? यज्ञ के आदि में नहीं थे? आदि में छोटे बच्चे अज्ञानी थे और अभी सूर्यवंशी पहले बड़े बनेंगे दूसरे बड़े बनेंगे? सूर्यवंशी पहले बड़े बनेंगे तो अभी बड़े हो गए, अभी समझते हैं कि हम तो जगत पिता के तो बच्चे हैं परंतु हमारी माँ सब माताओं की माँ है। घरों में देखा होगा बच्ची होती है, आज की बच्चियां उनकी माँ होती है, कुछ पुरानी है और माँ की भी माँ होती है या सास होती है वो और ज्यादा पुरानी होती है। प्योरिटी ज्यादा पुराने वालों में होती है या जो नए नए पैदा हो रहे हैं उनमें ज्यादा प्योरिटी होती है? समाज के हिसाब से पुराने वालों में ज्यादा प्योरिटी होती है। तो जिनको नाम रख दिया है परदादी माँ सबसे पुरानी तो उसमें प्योरिटी की ताकत भी तो सबसे जास्ती होगी या कम होगी? हैं? जास्ती होगी। इसलिए ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन देवताएं दिखाए जाते हैं सर्वोपरि 33 करोड़ देवताओं में और तीन देवताओं की तीन चिरसंगनियां दिखाई जाती हैं पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती। ये तीनों के जो फॉलो करने वाले बच्चे तैयार होते हैं उन तीनों को भक्ति मार्ग में नाम दे दिया है। शिव के फॉलोअर शैव संप्रदाय, विष्णु के फॉलोअर वैष्णव संप्रदाय और ब्रह्मा के फॉलोअर ब्रह्म समाजी। तीनों देवताओं को सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म वतन की स्टेज में नीचे ऊपर क्यों दिखाया गया है? हाँ, जिनकी बुद्धि की स्टेज ज्यादा ऊंची है मनन चिंतन मंथन में निराकारी स्टेज में वो ऊपर की ओर दिखाए गए, जिनकी मीडियम है वो बीच में दिखाए गए और जो लोअर हैं अभी भी मनन चिंतन मंथन करने के लिए तैयार नहीं है, बेसिक में पड़े हुए हैं। कितना भी कोई समझाने की कोशिश करे तो भी अकल नहीं चलाते, सुनने के लिए भी तैयार नहीं, समझने की तो बात ही दूर हो गई। तो वो नीचे का लोअर ग्रुप है। तो पहले पहले जो ऊपर का ग्रुप है वो संसार में प्रसिद्ध होगा, उसका फाउंडेशन नई सृष्टि में लगेगा या नीचे वालों को लगेगा? ऊपर वाली ग्रुप का पहले फाउंडेशन लगेगा। तो जो ऊपर वाला ग्रुप है सूर्यवंशी ग्रुप वो सतयुग के बच्चों को भी जन्म देने वाला है
सर्वोपरि ग्रुप है, पूरे 84 जन्म लेने वाला है, सारी दुनिया के पूर्वज हैं, पूर्व ज माने जन्म लेने वाले, पूर्व माने पहले, तो सतयुग के पहले जन्म की जो देवताएं हैं राधा कृष्ण वगैरह वगैरह, उनको भी जन्म देने वाले कोई हुए कि नहीं हुए, वो सूर्यवंशी थे, न कि उनको चंद्रवंशियों ने इस्लाम वंशियों ने जन्म दिया, देंगे नहीं देंगे, तो पहले पहले प्रत्यक्षता सूर्यवंशियों की तो हो जाए, सूर्यवंशी माता पिता तो प्रत्यक्ष हो जाएं, उनकी पालना लेने वाले तो प्रत्यक्ष हो जाएं, तब दूसरे मिनी मधुबनों का नंबर लगे। लिख के भेजा है, दौड़ होती है ना कुर्सी दौड़, कुर्सी दौड़ का जिक्र मुरली में किया है, तो प्रश्न है पहले सीट फिक्स करो, कुर्सियां रखी जाती है ना, फिर दौड़ो, फिर कहा है पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो कुर्सी का पता पड़े, आखिर सही बात क्या है, अरे ये गलत बात है क्या, जब तक कुर्सियां नहीं रखी जाएंगी तो दौड़ शुरू होगी है? अरे पहले पहले तीन कुर्सियां फिक्स हुई तो दौड़ने वाले कितने भी हो लेकिन कुर्सियां कितनी हैं, तीन, तो पहले तीन कुर्सियां रखी गई ना, तीन कुर्सियां प्रत्यक्ष हुई या नहीं हुई, हुई, तो इसमें विरोधाभास कहां है, पहले सीट फिक्स करो फिर दौड़ो, फिर कहा पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो कुर्सी का पता पड़े, तो पहले तीन की पढ़ाई पूरी होगी, तीन की ही कुर्सी फिक्स होगी या सबकी औरों की भी कुर्सी फिक्स हो जाएगी, है तीन की कुर्सी फिक्स होती, क्रॉस क्वेश्चन हो किसी का तो बोले, अरे कोई माता को सिखा के रखा करो पहले से, ऐसे होगा कि अभी कुर्सी फिक्स तो हुई नहीं, अभी तोड़ने का क्या फायदा अभी से, ऐसे ना अच्छा तोड़ने का नहीं, बाद में कुर्सी पर इन्होंने अभी पढ़ाई एडवांस की पढ़ी नहीं, अरे 98-99 में ही अभी कवाणी में बोल दिया, कहाँ ब्रह्मा कुमारी में बैठे रहते हो क्या है, तो फिर अव्यक्तवाणी में सन 98-99 में ही बोल दिया तीन कुर्सियां फिक्स हुई हैं, क्या नाम भी दे दिया, ब्रह्मा बाप और जगदम्बा तीसरा नंबर, आप तेरी कुर्सियां फिक्स ही नहीं हुई, मेरे से पहले की 99 में गया था, लिखे नहीं, कहते मैं 98 में नहीं गया, मैं तो 99 में, मुझे क्या पता फिक्स हुई कि नहीं, मुझे पता करने की भी दरकार नहीं, खीर पूरी खाओ अटन अटन रहो, हाँ और हद के सूर्य ग्रहण में दिन में अंधेरा हो जाता है, संपूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ता है ना, तो कभी ऐसा भी होता है दिन में अंधेरा हो जाता है, इसका बेहद में अर्थ क्या है, अरे सूर्य ग्रहण पड़ेगा तो कौन सी रात्रि को पड़ता है, पूर्णिमासी को पड़ता है या अमावस्या को पड़ता है, अमावस्या को पड़ता है, अमावस्या में चंद्रमा
पूरा अंधेरे में आ जाता है या कुछ रह जाता है? पूरा ही अंधेरे में आ जाता है। हिसाब क्या है? बीच में चंद्रमा आ जाता है, अपोजिट में सूर्य है और उसके अपोजिट में पृथ्वी है। पृथ्वी के हिस्से में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सामने सीधा चंद्रमा पड़ता है और चंद्रमा का परछाया सूर्य के ऊपर पड़ जाता है, तो पूरा ही सूर्य दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा होता है ना, तो उसको कहते हैं अंधेरा हो गया। सारी पृथ्वी पर अंधेरा हो जाता है या पृथ्वी के उस हिस्से के वासियों को ही अंधेरा दिखाई पड़ता है जिनके सामने चंद्रमा आ जाता है? है? जिनके सामने चंद्रमा आ गया उन्हीं को सूर्य नहीं दिखाई पड़ता। यहाँ ज्ञान में चंद्रमा कौन है? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्म बच्चा बुद्धि, उसका प्रभाव जिनके ऊपर पड़ जाता है 100% उससे प्रभावित हुई जो आत्माएं हैं वो ढिंढोरा पीटती हैं दुनिया में। क्या ढिंढोरा पीटती हैं? अरे भिखारी है, अरे भिखारी है, ग्रहण लग गया, ग्रहण लग गया, भिखारों का ग्रहण लग गया। चलो चलो अखबार वाले, चलो चलो टीवी वाले, चलो चलो पुलिस वाले, चलो चलो प्रशासन वाले। हाँ हाँ हाँ, तो हमको पैसा दे दो ना, मांगते नहीं है क्या? हाँ मांगते। तो ये दिन है या रात है? जब उनको सूर्य नहीं दिखाई पड़ता है तो वास्तव में जो ज्ञानी है उनके लिए दिन है या नहीं है? ज्ञानियों के लिए तो दिन है, लेकिन जिन्होंने चंद्रमा को अपना सन्मुख रख लिया हाँ उनके लिए रात्रि हो जाती है। तो इसलिए दिन में ही रात्रि हो जाती है, या ज्ञान की अंधकार की रात्रि की बात है। किसी ने लिखा है, एक तरफ बाबा कहते हैं, बाबा दोहरी दोहरी बातें करते हैं, कभी एक तरफ एक बात कहते हैं कभी दूसरी तरफ दूसरी बात कहते हैं। ये डमरू है ना, डमरू दोनों तरफ बजता है। इसलिए एक तरफ बाबा कहते हैं विजयमाला का आवाहन करो, फिर कहते हैं लक्ष्मी तो एडवांस पार्टी में लक्ष्मी को खिचड़ी खानी पड़ेगी। अरे एडवांस पार्टी में आएगी तो त्याग तपस्या करेगी तब ही आएगी या बिना त्यागी तपस्वी बने आएगी? हैं? 36 प्रकार के भोग छोड़ने पड़े तब ही आएगी या ब्रह्मा कुमारियां जैसे अभी नहीं निकल पा रही हैं? सारा एडवांस ज्ञान सुनती तो हैं, कहती हैं ज्ञान तो बड़ा अच्छा है लेकिन हम अभी मानेंगे नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? अंदर कमजोरी भरी पड़ी है। क्या कमजोरी? कि एडवांस पार्टी में जाएंगे सरेंडर होंगे तो साधारण कपड़ा मिलेगा, भका भक तो मिलेगा नहीं, 100 रुपए वाली साड़ी मिलेगी, 1500 वाली साड़ियां तो मिलेंगी नहीं, मकान जो है साधारण मिलेगा, बढ़िया फर्स्ट क्लास अंडरग्राउंड बनाया हुआ कंक्रीट का बनाया हुआ, दूसरों का कर्ज ले ले करके भीख मांग मांग करके फर्स्ट क्लास मकान तो मिलेगा नहीं, तो साधारण मकान में रहना पड़ेगा। और खाने के लिए सबसे मुसीबत इसकी है, खाने के लिए जगन्नाथ का भंडारा मिलेगा, खिचड़ी मिलेगी, उसमें घी भी नहीं मिलेगा, कम से कम खिचड़ी हो, चकाचक घी डाली हुई हो, अच्छी तरह छौंकी हुई हो, तो थोड़ी लपालप जीभ
संतुष्ट हो जाए। अब 36 प्रकार के भोजन तो गए, कम से कम खिचड़ी तो बढ़िया मिले। अंदर से गीत आता है, मेरी चट्टो है गई जीवला जलेबी ले आ लांगुरिया। अब आए कहाँ से, वहां तो एडवांस पार्टी में ये सब कुछ मिलेगा ही नहीं। हाँ, एडवांस पार्टी में भी ऐसे ग्रुप तैयार जरूर होंगे। कैसे ग्रुप? जो उन ब्रह्मा कुमारियों के बीज होंगे, बढ़िया बढ़िया खाने वाले, बढ़िया बढ़िया पहनने की इच्छा रखने वाले और बढ़िया बढ़िया मकान में रहने की इच्छा रखने वाले। तो जब ऐसे ग्रुप तैयार होंगे, तब तक पता नहीं उनको कंट्रोल करने वाला बाबा होगा या नहीं होगा। जब तक ब्रह्मा बाबा रहे, तब तक तो यज्ञ बढ़िया चलता रहा। जब तक धर्म पिताएं धरणी पर जिंदा रहे, तब तक उनका धर्म भी सतो प्रधान रहा। जब ब्रह्मा बाबा चले गए, धर्म पिताएं चले गए, तो उनका धर्म, उनकी धारणाएं, जो फॉलोअर्स थे गुरुडम चलाने वाले, उन्होंने नीचे गिरा दिया। तो ऐसे ही शूटिंग होती है। जब तक मम्मा बाबा बेसिक में रहे, तब तक ठीक ठाक रहा। मम्मा बाबा चले गए, आकांक्षाएं इच्छाएं बढ़ने लगी। जो ज्ञान का लक्ष्य था इच्छा मात्रम अविद्या, वो पता नहीं कहां चला गया। तो ऐसे ही जो एडवांस पार्टी में बीज रूप आत्माएं हैं, उन बीज रूप आत्माओं में भी सब धर्म की आत्माएं हैं या सिर्फ सूर्यवंशी ही हैं? सब धर्म के हैं। जो और धर्म के बीज हैं, वो और धर्मों के बीज बेसिक में, जो और धर्मों के आधार मूर्त हैं, वो और धर्मों के आधार मूर्त उन बीज रूप आत्माओं से हाथ मिला लेंगे। और वो फिर इधर आ जाएंगे या ये उधर पहुंच जाएंगे। बात एक ही हो गई। बाकी ऐसे नहीं है, और न बाबा ने कहीं क्लैरिफिकेशन में बोला है कि लक्ष्मी आवेगी तो खिचड़ी नहीं खावेगी। क्या? हाँ, लक्ष्मी आवे और दूसरे दूसरे ग्रुप में चक्कर लगाती रहे एडवांस पार्टी समझ के, तो दूसरी बात है। लेकिन अगर सूर्यवंश में आवेगी ग्रुप में, तो उसको खिचड़ी खानी पड़ेगी। तो ये बात गलत लगी थी कि बाबा ने बोला है लक्ष्मी आएगी तो खिचड़ी नहीं खाएगी। हाँ, और ब्रह्मा कुमारियों के लिए बोला है कि जो और धर्म में कन्वर्ट होने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, आधार मूर्त हैं, वो खिचड़ी खाने वाले नहीं हैं, इसलिए वो अभी नहीं आवेंगे। हाँ, जब बाबा गुप्त हो जावे तो हो सकता है कि वो आवे। तो बोला है लक्ष्मी तो एडवांस पार्टी में खिचड़ी खानी पड़ेगी, फर्श पर सोना पड़ेगा, इसलिए वो नहीं आ रही है। वैसे लक्ष्मी ने ये बातें कब बोली? अरे कौन कह रहा है लक्ष्मी ने ये बातें बोली? अपने अपने दिमाग के फितूर चल रहे हैं कि बाबा के पास पैसे की कोई कमी नहीं है एडवांस पार्टी में। क्या इतना पैसा लगाया वहां, कहां गोल्डन फॉरेस्ट कमेटी में? सारा पैसा गोल्डन फॉरेस्ट कमेटी में डूब गया। फिर उसके बाद खेत वेत बनाया, वो करोड़ों रुपए का खेत
50-60 करोड़ का सुप्रीम कोर्ट के अंडर में चला गया, जैसे औरों का चला गया। बाबा के पास इतना पैसा खर्च क्यों नहीं करते हैं? बढ़िया बढ़िया मकान लेना चाहिए, बढ़िया बढ़िया कपड़े खरीदना चाहिए, बढ़िया बढ़िया 36 प्रकार के भोजन खाना चाहिए। हम नहीं सरेंडर होंगे। क्या ऐसा सरेंडर होने हमें पसंद नहीं है? तो न बीके के रहते हैं, न एडवांस के रहते हैं, बीच में त्रिशंकु की तरह लटके हुए हैं। उनके ऐसे विचार हैं कि लक्ष्मी ने तो कभी कहा नहीं, क्या हम खिचड़ी नहीं खाएंगे? अरे बाबा कब कहते हैं कि लक्ष्मी जैसी आत्माएं वो त्यागी तपस्वी नहीं बनेंगी, वो तो पहले त्यागी तपस्वी बनना पड़े उन्हें। नहीं बनेंगी तो एडवांस पार्टी में, एडवांस ग्रुप में नहीं आ सकती। तो बढ़िया बात, एक कैसे का प्रश्न आ गया। थोड़ा पानी पी लिया। बाबा ने बोला पुरुषार्थ के लिए 2 रोटी चाहिए। 2 रोटी से आदमी जिंदा रह सकता कि नहीं? है अकाल पड़ेगा, सारे भारत में अकाल पड़ेगा। अभी तो थोड़े जिलों में घोषित हुआ है, लेकिन ऐसा भी टाइम आएगा सारे भारत में अकाल पड़ेगा। शास्त्रों में भी लिखा है, हिस्ट्री भी यही बात कहती है, जब राजाएं अत्याचारी होते हैं, भ्रष्टाचारी होते हैं, पब्लिक ज्यादा दुखी होती है, तो क्या पड़ता है? अकाल पड़ता है। तो संभावना है कि नहीं? अभी है, अकाल पड़ेगा। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ के लिए 2 रोटी चाहिए। उस 2 रोटी में अरबपति भी पलते हैं, उनका भी पेट पल सकता है, और गरीब का भी पल सकता है, और पुरुषार्थ भी चल सकता है। अच्छा 2 रोटी चाहिए, दाल भी नहीं। बाबा ने दाल भी नहीं बोली साथ में। ये अंदर अंदर संकल्प चलते रहते हैं कोई कोई ब्रह्म कुमारियों के। क्या? अरे हमने लाखों रुपया दिया यज्ञ में, लेकिन बाबा ने ऐसे बोल दिया। क्या बोल दिया? हाँ हाँ, 2 रोटी पेट के लिए बहुत काफी, पुरुषार्थ के लिए दाल भी नहीं। अरे दाल 100 रुपया किलो। तो बाबा जरा विचार करो, जिस बाबा जिसको दांत नहीं है, वो बेचारे सूखी रोटी कैसे खावेंगे? अरे बाबा से ही पूछा जा रहा है। जिस बाबा ने अपने जीवन में हाई स्कूल की परीक्षा ही मटर की सूखी रोटियां नमक डाल करके पानी मिला मिला कर खाई है, तो बाबा उसका जवाब नहीं जानता है? अरे रोटियां सूखी हैं तो उसमें पानी डाल सकते कि नहीं? गर्म पानी डालेंगे तो फूल जाएगी कि नहीं? बूढ़े लोगों को खाने में तकलीफ नहीं होगी ना, खा लो। और जब अकाल पड़ेगा, लोगों को दाल सब्जी कुछ भी नहीं मिलेगी, बाबा कहते हैं बच्चों को 2 रोटी जरूर मिलेगी। तो अगर ऐसी स्थिति आ गई, दाल न मिली, सब्जी नहीं मिली, और बूढ़ी बूढ़ी माताएं यज्ञ में हैं, सरेंडर तो हो रही है ना, तो उनको वो सूखी रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो क्या भूखी रह जाएंगी? भूखी रह जाएंगी? नहीं खाएंगी? अरे भूख बिचारी कंडा खाए, भूख लगेगी तो सूखी रोटियों में
कैसे खाएं उसका जवाब अपने आप, आज पानी डालो गरम गरम और भिगो करके फूल जाएंगी और खूब खाओ, डट के पुरुषार्थ करो। ये कैसे का प्रश्न उस समय खत्म हो जाएगा। अभी बाबा कहते हैं शांति के समय में धीरज धरो। अब जैसे वाणी में बोला है अभी कोई ऐसी स्थितियां परिस्थितियां पैदा नहीं हो रही है, शांति के समय में धीरज धरो, फालतू संकल्प न चलाओ। ये फालतू संकल्प रावण के सिर हैं, एक काटोगे तो दूसरा उग जाता है, दूसरा काटो तीसरा चौथा उग जाता है। भक्ति मार्ग में कहते हैं कि गाय के शरीर में 33 करोड़ देवताएं रहते हैं। बाबा ने भी ये बात मुरली में रिपीट कर दी। क्या शास्त्रों में जो बातें हैं कहाँ की यादगार हैं? संगम युग की। तो क्या ऐसा है गाय के शरीर में 33 करोड़ देवताएं रहते हैं? अरे वो तो खुद ही जानवर है, जानवर के पेट में से जानवर पैदा होंगे या देवताएं पैदा होंगे? हैं? जानवर ही पैदा होगा, वो जानवर गऊओं की बात ही नहीं है। कौन सी गऊओं की बात है? कोई ह्यूमन गऊए हैं, उन ह्यूमन गऊओं की बात है जो भारत की ही गऊए प्रसिद्ध हैं, कि जिन गऊओं को सीधे सच्चे स्वभाव वाली माना जाता है वो गऊए जीवन में माँ बाप जिस खूंटे से बांध देते हैं जिंदगी भर उसी खूंटे से बंध करके रहती है। ऐसे नहीं आज एक खूंटा पकड़ लिया, कल दूसरा खूंटा पकड़ लिया, तीसरा दूसरा चौथा खूंटा पकड़ लिया। बहेल गैया नहीं है, ऐसी गैया है जिस घर में उनको पालना देने के लिए माँ बाप बांध देते हैं उसी घर में जीवन भर बंध के रहती है। तो गाय स्वभाव नहीं हुआ भारत की कन्या माताओं का, गौ स्वभाव है। उन गौओं में कोई ऐसी भी गौ है यज्ञ के आदि में जिस गौ की सेवा के बल पर ये 33 करोड़ देवताएं पैदा हो जाते हैं। अरे प्रजापिता तो चला गया, चला गया कि नहीं चला गया? है उसने अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाई? है नहीं निभाई ना, फिर माता भी भाग गई क्या? है माता नहीं भाग गई? दोनों माताओं में दोनों माताएं दिलेर थी कि एक माता बकरी थी? है दोनों दिलेर थी। बाबा ने तो बताया है त्रिमूर्ति में एक बकरी है, एक घोड़ा है, एक शेर है। तो यज्ञ के आदि में कोई बकरी थी या नहीं थी? है बकरी थी, उसकी बात छोड़ दो, उसको तो जो कान पकड़ लेगा उसी के कंट्रोल में आ जाएगी। कान पकड़ने की देर है, लेकिन दूसरी माता दिलेर माता थी। वो माता अगर यज्ञ में न होती तो यज्ञ चलता है? नहीं चलता। वो गौ माता में इतनी अकल नहीं है। कितनी? जितनी मानवीय बुद्धि में होनी चाहिए। वो अकल न होने के कारण सब धर्मों की माता बन जाती है। सब धर्म वाले दिल्ली के ऊपर अपना कब्जा जमाए लेते हैं, खून खराबा भी करते हैं और खून खराबे को दिल्ली सहन करती है।
सारे जगत की अम्बा जगद अम्बा माता नहीं है, माता है एडवांस में भी, उसके माँ बाप ने जिस खूंटे पर बांध दिया उसी खूंटे पर बरसों बंद करके रहती है कि नहीं रहती है? है? रहती है। अगर वो बंद करके न रही होती तो इतने ढेर के ढेर जो निकल पड़ी है एडवांस में सरेंडर्ड, वो निकलती नहीं? निकलती। यही बढ़ते बढ़ते 33 करोड़ देवताएं बन जाएंगे। तो ये बुद्ध रूपी पेट की बात है या स्थूल पेट की बात है? ये बुद्ध रूपी पेट की बात है। और है एक बड़ी और पड़ी है। बोलो भैया। ये तो घर जाके पढ़ेंगे। हाँ एक प्रश्न है कि ब्रॉड ड्रामा में सत्य का साथ देना अर्थात सत्यनारायण का साथ देना, तो सत्यनारायण का साथ तो देना ही है। अरे ब्रॉड ड्रामा में याद रहेगा कि सत्यनारायण कौन है? याद रहेगा तो याद, बाकी तो बात ही नहीं है। ये बात कहाँ की है कि सत्यनारायण का साथ देना है? कहाँ की बात है? संगम की बात है। साथ तो देना ही है, पर जब वो तमो प्रधान बनता है तो तमो प्रधान बनने पर झूठा भी बनता है, माने राम सो रावण भी बनता है, तब उसका साथ देना है। क्या ये अच्छी बात है? हैं? साथ देना है या नहीं देना है जब तमो प्रधान बनता है? हैं? नंबर वार सभी बनाएंगे। अच्छा अच्छा हप हप कड़वा तू अगर लक्ष्मी ये सोच ले कि जो सत्यनारायण का पार्ट है सतो प्रधान पार्ट है तब तक साथ देना है, और जब रजो प्रधान तमो प्रधान बनेगा तो मैं साथ नहीं दूंगी, तो 84 जन्म तक एक पतिव्रता नारी रहेगी? नहीं रहेगी। इसलिए भारत में ये मान्यता है कि जब शादी होती है तो पत्नी से कहलवाया जाता है कि पति के जीवन में जीवन पर्यंत साथ देना है। ये नहीं कहा जाता जब पति दुखी है, तमो प्रधान है, बुढ़ा है तो उसका साथ नहीं देना। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। कांटे पैदा करता है, रुद्रमाला पैदा करता है, तो उसकी भी पालना देनी है। जो रुद्रमाला की पैदाइश होती है, रोते रोते जो बच्चे पैदा होते हैं,
वो तमो प्रधान पैदाइश है या सतो प्रधान पैदाइश है? वो तो है ही तमो प्रधान पैदाइश। कोई कहे हम उनकी पालना नहीं करेंगे, हम तो अच्छे अच्छे फूलों की पालना करेंगे। तो ये सत्यनारायण का साथ देना नहीं हुआ। सत्यनारायण से ज्यादा कोई ज्ञानी हो सकता है? है? वो तमो प्रधान बने चाहे सतो प्रधान बने, दुनिया तमो प्रधान बनेगी तो तमो प्रधान दुनिया कांटों की दुनिया के साथ कांटा बनना पड़े या नहीं बनना पड़े? कांटे से कांटा निकाला जाता है कि कांटे निकालने के लिए फूल लगाओगे? है? कांटा ही लगाना पड़ेगा। अगर कांटे से कांटा न निकाल करके फूल लगा दिया तो फूल का सत्यानाश हो जाएगा या कांटे का सत्यानाश होगा? फूलों का सत्यानाश हो जाएगा। ये जो विधर्मी आत्मा है ना, उनकी बुद्धि टेढ़ी मेढ़ी चलती है। अरे जब डिक्लेयर हो गया कि सत्य ये है तो सत्य की परिभाषा एक ही जानेगा या सारी दुनिया जानेगी? एक ही जानेगा। और वो एक जब आता है तो एक ही मुकर्रर रथ नियत बनाता है, वो ही सत्य असत्य का निर्णायक है, वो ही धर्मराज कहा जाता है, वो ही चीफ जस्टिस है। जैसा देश वैसा भेष अपनाना पड़ता है, नहीं तो सफलता नहीं मिल सकती। लोहे से लोहा काटा जाता है और विष से विष मारा जाता है। गड़े में दो चार बूंद पड़ा हुआ है विष, और उसको मारने के लिए दूध डाल दो, पूरा भर दो घड़ा, तो दूध बन जाएगा? है? बिल्कुल दूध नहीं बनेगा। इसलिए ये तो एक ही आत्मा है जो 84 जन्मों में भी असत्य के साथ संघर्ष करती है। वो जानती है सत्य क्या है और असत्य क्या है। और कुछ? क्लास ओवर होना चाहिए। हाँ, ओम शांति।